आज हम पहुंच चुके हैं असम के मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपको बता दें कि ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन कैसे जा पाएंगे और क्या क्या चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस फैमिली के हिस्सा आप बन जाएं। तो देख सकते हैं ये है मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टेशन कोड इसका MXN है, जो कि नॉर्थन रेलवे जोन में पड़ता है। और जब कभी भी आप जाते हैं जोरहाट, जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पे आपको डीजल जो है मरियानी डीजल लोकोमोटिव सेट भी मिल जाएगा। और ये है आपका कामाख्या डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो है वो मरियानी जंक्शन होते हुए भी जाती है। तो यहां पे आप मरियानी जंक्शन जो है वो मेजर स्टेशन रेलवे स्टेशन माना जाता है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि असम में पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते भी है। तो ये स्टेशन जो है वो सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये चाय बागान आपको देखने को मिलेगा और ये रेलवे स्टेशन है। रात को जाते या दिन में हमेशा यहाँ लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। 3 प्लेटफॉर्म है, 5 ट्रैक बनाए गए हैं। अभी जो है और भी प्लेटफॉर्म जो है बढ़ रहे हैं, साथ साथ में गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था आपको स्टेशन के बाहर मिल जाता है। 2-व्हीलर 4-व्हीलर भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है नियरेस्ट जो रेलवे जंक्शन के बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं असम का, वो आप घूम सकते हैं। तो चाय बागान का खेती भी यहाँ पे होता है और ये पूरी तरीके से देखिए बहुत ही बड़े क्षेत्र में है मरियानी जंक्शन में। आपको बता दें यहाँ पे आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, जो कि इसका जोरहाट रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन का सुविधा नहीं है, लेकिन मरियानी जंक्शन में आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। रिजर्वेशन काउंटर मिल जाएगा, जनरल टिकट भी ले सकते हैं। ये स्टेशन के बाहर एक बहुत ही पुराना देख सकते हैं रेलवे रखा गया। और ये देखिए ये पूरा जो है यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे रिजर्वेशन करा सकते हैं। साथ साथ में डबल बेडेड रिटर्न रूम है, इसके साथ साथ में कंप्यूटराइज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। पार्किंग का फैसिलिटी मिल जाएगा, वेजिटेरियन फूड स्टॉल मिल जाएंगे बहुत सारे, और इसके साथ साथ में वाईफाई का भी सुविधा यहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप पहली बार जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे विजिट करें। विजिट करने के बाद यहाँ से आपको मरियानी जंक्शन से 16 किलोमीटर पड़ेगा सिटी, जो कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट आप पहुँच सकते हैं। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट सिटी यहाँ से 16 किलोमीटर, जो कि बाहर निकलिएगा तो आपको बहुत सारे ऑटोज मिल जाएंगे। ऑटो के जरिए आप यहाँ से जोरहाट सिटी जा सकते हैं या फिर बस मिल जाएगा शेयरिंग में। रेलवे स्टेशन ऐसे है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। फूड ओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि ओवर ब्रिज के द्वारा जा सकता है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की हर एक प्लेटफॉर्म में जो है सुविधा मिल जाएगी, बूथ मिल जाएगा। इसके साथ साथ में पार्सल का अलग रूम है, जहाँ पे आप अगर यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्सल करते हैं या कोई सामान, तो उसके लिए एक अलग ही ऑफिस है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। मरियानी डीजल लोकोमोटिव सेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बगल में ही है। न्यू दिल्ली से यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जो डिब्रूगढ़ जाती है राजधानी एक्सप्रेस, वो भाया इधर से ही जाती है, इधर से होते हुए जाती है। तो ये बीच में पड़ती है ये जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ से जहाँ की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा दृश्य देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा नज़ारा मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन का, जो कि रेलवे स्टेशन जो है वो जोरहाट सिटी से आपको मैंने बताया कि 16 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगा। और ये बाहर हिस्सा में जहाँ पे ऑटो वगैरह लगी हुई रहती है, जब कभी भी आप जाते हैं ना तो दिक्कत नहीं होगा, ऑटो आपको मिल जाएगी। कभी भी आप यहाँ पे जाते हैं तो ऑटो मिल जाएगी। साथ साथ में यहाँ का जो नियरेस्ट जगह है आपको बता दें कि जो घूम सकते हैं, जैसे यहाँ पे चाय बागान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो देख सकते हैं। और असम का और भी चीज़ें हैं जो उन सभी जगह पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं।